3, 2, 1, 0। तो भैया आदित्य L1 निकल चुका है धरती से सूरज की तरफ। कतई यार इसरो ना कमाल पे कमाल किए जा रहा है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे आप लोगों के मन में, जैसे कि आदित्य L1 जो है, इसमें ये L1 का क्या मतलब होता है, और क्या आपको पता है कि ये जो आदित्य L1 है ना, ये सूरज पर जाकर कोरोना की स्टडी करने वाला है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि भैया ये सूरज पर जाकर स्टडी कैसे करेगा, कहीं ये सूरज की गर्मी से पिघल तो नहीं जाएगा। और आदित्य L1 अपने साथ साथ पेलोड लेकर सूरज की तरफ जा रहा है, तो आखिर ये पेलोड क्या बला होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको आदित्य L1 से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो यार आई थिंक इतना इंट्रो काफी, तो शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। आदित्य L1 के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि यह भारत का इसरो का पहला सौर मिशन है। इससे पहले इंडिया ने बहुत सारे स्पेस मिशन किए हैं, लेकिन कभी सूरज से रिलेटेड कोई मिशन नहीं किया। अब जिन लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है कि सूरज पर इतनी गर्मी जो होती है, अगर इंडिया कोई मिशन करेगा तो उनका स्पेस क्राफ्ट या स्पेस शिप जो भी है वो सूरज की गर्मी से पिघल नहीं जाएगा, तो भैया आदित्य L1 जो है ना वो सूरज पर जाने नहीं वाला है, मतलब सूरज पर ये लैंडिंग नहीं करेगा। ये सूरज से काफी दूर रहेगा स्पेस में, और वहीं से रहकर ये सूरज के बारे में स्टडी करेगा। चलो ये बात तो क्लियर हो गई, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आदित्य L1 ये जो नाम है ना, इसमें L1 का क्या मतलब होता है? बेसिकली ये जो L1 है ना, इसी की वजह से ये जो आदित्य L1 है, ये स्पेस में स्थिर रह पाएगा। L1 का मतलब होता है लैग्रेंजियन पॉइंट 1। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, सूरज का अपना ग्रेविटेशनल पावर है। अगर आदित्य 1 सूरज के पास जाएगा तो सूरज की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच लेगी, और आदित्य सूरज के पास जाएगा और उसकी गर्मी से राख हो जाएगा। लेकिन धरती और सूरज के बीच में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स और सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है। तो इस न्यूट्रल ग्रेविटेशनल फोर्स वाले पॉइंट पर आदित्य L1 स्पेस में स्टेबल रह सकता है, इसको सूरज से कोई भी खतरा नहीं होगा। धरती और सूरज के बीच में ऐसे 5 पॉइंट हैं, जिनमें से कि पहला है L1, जहां पर रहेगा आदित्य L1 और ये सूरज की स्टडी करेगा। ये L1 पॉइंट जो है, ये धरती से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, और इस अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में करीब 125 दिन लगने वाले हैं। ये आदित्य L1 सूरज के बाहरी वातावरण की स्टडी करेगा, और इस बाहरी वातावरण का नाम है कोरोना। मतलब वाह क्या नाम रखा है। और ये जो आदित्य L1 है ना, ये पूरे 5 साल तक सूरज के बारे में इंफॉर्मेशन और फोटोज इसरो को भेजता रहेगा। आदित्य L1 मिशन अपने साथ 7 पेलोड्स लेकर जा रहा है। लेकिन आखिर ये पेलोड है क्या भला? इसको आप सिंपली समझ सकते हो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कुछ ऐसे उपकरण जिनका इस्तेमाल करके सूरज के वातावरण की स्टडी की जाएगी। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड्स लेकर जा रहा है, जो है विजुअल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जिसको एस्पेक्स भी कहते हैं, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य जिसको शॉर्ट में पापा कहते हैं, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। ये सारे इंस्ट्रूमेंट मिलकर सूरज के बारे में हर इंफॉर्मेशन इसरो को देने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते ही हो भैया, सूरज का हमारी धरती से कितना गहरा रिलेशन है। सूरज में छोटा सा भी चेंजेस हमारी धरती पर जीवन को अफेक्ट कर सकता है। धरती के मौसम, धरती के जलवायु और धरती पर जीवन सूरज पर ही डिपेंडेंट है। तो अब आप खुद सोचकर देखिए कि ये भारत की कितनी बड़ी उपलब्धि है कि अब भारत डायरेक्ट सूरज के बारे में स्टडी करने वाला है, और सूरज पर होने वाले छोटे से छोटे चेंजेस हमको डायरेक्टली पता चल जाएंगे आदित्य L1 की मदद से। हालांकि आदित्य L1 सूरज से काफी डिस्टेंस पर है, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा है, और आदित्य L1 को इस टेम्परेचर को झेलकर यहां पर सर्वाइव करने के हिसाब से ही इसरो ने डिजाइन किया है। खैर मानना पड़ेगा भैया, इसरो इस बार तो कमाल पे कमाल किए जा रहा है। बहुत सारी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज की इसरो की अचीवमेंट्स को देख देख कर रातों की नींद उड़ चुकी है। एनीवे फिलहाल अभी तो आदित्य L1 लॉन्च हुआ है, इसको अभी 125 दिन का सफर तय करना है, और मैं यही दुआ करता हूँ कि चंद्रयान 3 की तरह इसरो का ये वाला मिशन भी 100% सक्सेसफुल हो। यार बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।